इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इस तरीके का एक एरर देखते हैं फाइल मैनेजर में कांट यूज़ दिस फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा है कांट यूज़ दिस फोल्डर। बेसिकली अगर हम हमारा जो मोबाइल का फोल्डर नहीं मतलब डायरेक्ट में डायरेक्ट मतलब किसी फाइल को पेस्ट करना चाहिए या फिर वहाँ पर ऐड करना चाहिए तो वो नहीं होता है। ठीक है, किसी नया किसी फोल्डर में ही आपको ये प्रोसेस करना होगा और ये एंड्रॉयड में भी अब नहीं काम करता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, क्यों इस तरह की एरर आ रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में और पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर अभी तो हम काइन मास्टर के पेज पर है। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे काइन मास्टर पर, आप किसी भी पेज पर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को क्या करना होता है कि एंड्रॉयड फोल्डर में आपको कोई फाइल पेस्ट करनी होती है। ठीक है, 99% लोगों को एंड्रॉयड फोल्डर ही यूज़ करना होता है, बाकी का जो भी है दूसरा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको एंड्रॉयड फोल्डर में रिस्ट्रिक्शन लगी है कि एंड्रॉयड 12, 11 जो भी आपका वर्जन है फ़ोन का, तो वो क्या करता है कि आपको परमिशन उसके लिए नहीं दे रहा है। तो अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो भी फाइल है उसे यहाँ पर कहीं पर भी किसी एक फोल्डर में अभी के लिए पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक खाली फोल्डर ले लेता हूँ। ठीक है, इजी शेयर का ही यहाँ पर यूज़ दिस फोल्डर करेंगे, यहाँ पर हम इस फाइल को लगा देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब ये फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये ऐड हो गई अभी, जस्ट एग्जांपल है काइन मास्टर का, आप जो दूसरा कर रहे हो पबजी जो भी गेम वगैरह का हो। ठीक है, तो अब अभी क्या करना है कि वापस से आपके फाइल मैनेजर को ओपन करना है, यहाँ पर या आपके फ़ोन के अंदर मतलब इंटरनल स्टोरेज में आप चले जाएंगे और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है शेयर इट का। ठीक है, मतलब जिसमें आपने अभी फाइल डाली है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये फाइल है मेरी, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और वापस से बैक चले जाइए और एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर चले जाकर उसे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये पेस्ट हो गई, मुझे यही पेस्ट करनी थी और यहाँ पर मैंने डाल दी। बस करना क्या होता है कि हम जो एप्लीकेशन से कर रहे होते, जो मतलब जहाँ से कर रहे थे वहाँ से ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ से आकर करिए, ये यहाँ से हो गया। अब बाकी अगर आपके फ़ोन में भी अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे यहाँ पर ये फाइल को लाना था तो मैंने यहाँ पर ला दिया। अब काफ़ी सारे लोगों को यही फाइल जो है OBB में चाहिए होती है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और OBB में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हो गया। अब आपको किसी दूसरे में चाहिए, ठीक है, आपको मीडिया में चाहिए तो मीडिया में भी आपको ये कॉपी कर देना है और ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो करना आपको क्या प्रोसेस है कि आपके इंटरनल स्टोरेज से प्रोसेस करना है, जो प्रोसेस आप दूसरे किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे थे तो वो आपको यहाँ से करना है। बस दो बार चीज़ें करनी होगी, पहली बार तो आप वहाँ से करेंगे और यहाँ से एक फ़ोल्डर से निकलकर दूसरे फोल्डर में लाना है। तो ये प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगती है और समझ में भी आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।